सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। अब हम मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट मेटल है या नहीं है। तो फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पहचान लेंगे। देखिए, मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये देखिए, आप कॉइन्स देखिए, सिल्वर कॉइन्स हैं, तो इनको जब हमने हैमर से, राइट, इसको हैमर ऐसा था ये, मान लीजिए हैमर से इसको हमने क्या किया को पीट पीट कर इसको ऐसा बना दिया, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं मैलेबल। क्या बोलते हैं? मैलेबल। ठीक। डक्टाइल होती है, जो मेटल्स होती है डक्टाइल, मतलब आप देख सकते हैं वायर की तरह ये सीधी भी हो सकती है, यहाँ सिर्फ ये नेल्स दिखाई है, लेकिन क्या होता है कि कॉपर, आपने कॉपर वायर देखा होगा, आयरन के वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, तो ये वायर की तरह हो सकती है, डक्टाइल हो सकती है। ठीक। इसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर है, मीन्स इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो सकती है। मान लीजिए ये कोई मेटल है तो इसके अंदर से बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल की। ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसकी और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इनकी डेंसिटी के बारे में बात करने दो। जितने भी मेटल्स हैं इनकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी अगर बात करें, ये डेंसिटी क्या है? देखिए, हाई डेंसिटी का मतलब है ये जो होती हैं ये हैवी होती हैं, जितनी भी मेटल होती हैं ये हैवी होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी कि ये सॉलिड होती हैं, सब जितनी भी मेटल होती हैं सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। केवल एक ही ऐसी ये मेटल है जो कि सॉलिड नहीं, लिक्विड है, बाकी सभी मेटल्स सॉलिड होती हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी। इसके अलावा इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स की। ठीक है। अगर बात करी जाए मेटल कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से मेटल हैं, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, कैल्शियम, लेड और कैल्शियम, मरकरी, कैल्शियम बार बार आ रहा है, मरकरी, मनी, मैनी लिखा है, सॉरी मैनी अंडरस्टैंड, मैग्नीज, ये कुछ रॉन्ग आ गया, ठीक है, एंड यूरेनियम। ये काफ़ी मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी मेटल्स के बारे में बता दिए। इसके अलावा दो छूट गई हैं, टंगस्टन और टंगस्टन छूट गई है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन और एंटीमनी भी छूट गई, एंटीमनी, ये एंटीमनी लिखा था इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, ये द मनी लिखा होगा, एंटीमनी लिखा था। ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनके मैंने आपको बताए और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो देखिए, आप यहाँ सिल्वर कॉयल जो कि आपको दिख रहा होगा कि मैलेबल फॉर्म में पड़े हैं, ठीक है, ये डक्टाइल फॉर्म में वायर की तरह है, ये भी मैलेबल फॉर्म को बनाया हुआ है, ग्लास जो बने हुए हैं ये गोल्ड पड़ा है, तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और ये आयरन, सॉरी ये आयरन है और ये सिल्वर है, ये सब फॉर्म्स हैं, ठीक है, मेटल्स के। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम नॉन मेटल्स।